खबर बैतूल से है, जहां बैतूल के सदर क्षेत्र में स्थित मेडिकल स्टोर में अमन भोर से नाम का नर्सिंग का छात्र पिछले 4 महीने से पार्ट टाइम जॉब करता है। संचालक का भाई अब्दुल फहीम जब नमाज पढ़ने के लिए जाता है तो वह नौकर पर पूरा भरोसा होने के कारण वह कैश काउंटर को लॉक करके चाबी वहीं रख देते थे। कुछ दिन तक तो सब ठीक चला, लेकिन कुछ ही समय बाद उसने मौके का फायदा उठाना शुरू कर दिया। संचालक शारिक का कहना है कि जैसे ही वह या उनके भाई मेडिकल से नमाज पढ़ने के लिए जाते थे, वैसे ही उनका कर्मचारी छात्र पहले तो फ्रिज में से कैडबरी चॉकलेट निकाल कर खाता और फिर मौका देखकर कैश काउंटर से नगद रुपए निकाल कर अपने पर्स में रख लेता। बताया जा रहा है कि एक अन्य कारण से उन्होंने दुकान में CCTV कैमरा लगवाया और उसकी निगरानी करने पर छात्र की उस समय की गतिविधियां संदिग्ध नजर आने लगी जब मेडिकल पर कोई नहीं होता था। इस पर उन्होंने करीब से उस पर निगाह रखी तो यह खुलासा हुआ कि उनका भरोसेमंद कर्मचारी ही रोजाना उन्हें चपत लगा रहा है। दुकान से रोज चोरी होने की पुष्टि होने पर संचालक ने उसे पुलिस के हवाले कर दिया है। वहीं नर्सिंग के छात्र ने पुलिस के सामने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। उसने बताया कि उसको जब जब मौका मिलता था तब तब वह 800 से 1200 रुपए कैश काउंटर से निकाल लेता था। उसको खुद याद नहीं है कि उसने अभी तक कितनी राशि निकाली है। मेडिकल संचालक के मुताबिक छात्र ने करीब 50,000 नगद, दवाई, मास्क, सैनिटाइजर चुराए है। वहीं उसकी गर्लफ्रेंड को दुकान से फ्री दवाइयां, सैनिटरी पैड, कैडबरी की महंगी चॉकलेट, सैनिटाइजर पन्नी में पैक करके देता था। धीरे धीरे वह इतना शातिर हो गया था कि वह कैश काउंटर में पहले 20 या 50 का नोट, फिर कागज का टुकड़ा डालता है जिससे किसी को समझ में ना आए या किसी को उस पर शक ना हो। उसके बाद वो सभी प्रकार के छोटे बड़े नोट काउंटर से निकालता था। ये मेडिकल शॉप के मालिक है अब्दुल शरीफ। इनका कहना है कि इनके दुकान पे विगत 4 महीने से अमन भोर से, ये शाहपुर के तरफ का रहने वाला है, इनको नौकर के रूप में रखा था। तो ये इनके गल्ले में से 1500 रुपये निकाल लेता था। और ये क्या हुआ था कि इन्होंने अभी 2-3 दिन पहले 13 तारीख को जो है अपना देखा CCTV कैमरा, तो उसमें ये निकालते हुए देखा। उसके बाद उन्होंने रिपीट किया तो ये कई दिनों से इस प्रकार से गले में से पैसे निकाल रहा है। कभी ये भी सुनने में आया है कि सैनिटाइज पैड वगैरह जो है वो भी जेब में रख के ले जाता था। इस प्रकार से ये जो है इन्हीं का नौकर है और ये इनके यहाँ चोरी करता था। तो उसमें धारा 381 जो होता है घरेलू या नौकर द्वारा चोरी करना, उसका मुकदमा कायम कर लिया गया है और अभी विवेचना में है। आपकी मेडिकल शॉप पे किस तरह चोरी हुई, क्या करता था वो, कौन था? मेरी दुकान पे 4 माह पहले एक लड़का है अमन भोरसे करके, और वो नर्सिंग का स्टूडेंट है, और उसने बोला कि मुझे पार्ट टाइम जॉब की आवश्यकता है। तो मैंने उसको पार्ट टाइम जॉब के लिए रख लिया 5 बजे से 8 बजे तक, कि वो उसे मेडिकल का काम भी सीखना था। तो कुछ ही दिनों में वो अच्छा काम करने लगा और मेरा विश्वास जीत लिया। और मेरा जो बड़ा भाई है अब्दुल फहीम, मेरे चाचा का लड़का, वो जब नमाज़ पढ़ने जाया करता था शाम 6 बजे करीब, तो उस समय वो कैश काउंटर की चाबी बाजू में रख के जाता था। तो उसमें ये उसने फ़ायदा उठाकर कैश काउंटर की चाबी निकाल कर लगातार पैसे निकाला है पिछले 3 महीने से। और इसकी जानकारी हमको नहीं थी, लेकिन जब हम किसी अन्य कारणों से CCTV फुटेज हमने जब इसको देखा, उसका परीक्षण किया, तो उसमें ये निकला कि ये लगातार हमारे पैसे चुरा रहा था। तो इसके संबंध में जब हमने लगातार 2-3 महीने का रिकॉर्ड खंगाला, तो ये जांच में आया कि इसने हज़ारों रुपए हमारे कैश काउंटर से भी ले गया है, दवाइयाँ भी ले गया है, सैनिटरी पैड, चॉकलेटें महंगी महंगी अब दुकान में रहती हैं बच्चों के लिए, वो भी ले गया है, और इसके अलावा सैनिटाइज़र, मास्क, ये सारी चीज़ें वो खुद लेके गया। ये किसके लिए ले जाता था? मुझे ऐसा अनुमान है कि ये बीच में एक दो लड़कियों को भी लेके आया था, तो हो सकता है कि उन लड़कियों के लिए ये उनके खाने खर्चे के लिए सब चोरियां कर रहा था।
क्राइम एड मध्य प्रदेश के लिए बैतूल से वाजिद खान की रिपोर्ट।